जोश बटलर के शतक और युजवेंद्र चहल के हैट्रिक के चलते राजस्थान रॉयल्स ने केकेआर को 7 रन से हरा दिया। 16 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन था। मैच केकेआर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। केकेआर को जीत के लिए 4 ओवर में सिर्फ 40 रन की जरूरत थी, वहीं 6 विकेट हाथ में बचे हुए थे। लेकिन 17वां ओवर लेकर आए चहल ने पूरा मैच बदल दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद में ही चहल ने वेंकटेश अय्यर को चकमा देते हुए स्टंप करा दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद में सबसे बड़ा झटका लग गया केकेआर को, जब केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर चहल का शिकार हो गए। चहल ने अय्यर को 85 रन के स्कोर पर LBW आउट कर केकेआर की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद चहल ने ओवर की पांचवी गेंद में शिवम मावी को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा दिया। अब चहल हैट्रिक पर थे और सामने बल्लेबाजी के लिए आए पैट कमिंस। लेकिन चहल के सामने कमिंस की भी एक न चली। कमिंस ने अपना कैच राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के हाथों में थमा दिया। इस तरह चहल ने हैट्रिक ले ली। इस तरह चहल ने 17वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 4 विकेट झटक कर केकेआर के हाथ से मैच छीन लिया। अंत में केकेआर की पारी 19वें ओवर की चौथी गेंद में ही ऑल आउट हो गई। इस तरह राजस्थान ने 7 रन से मैच जीत लिया।